तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको पांच थीम्स दिखाने वाला हूँ जिसका लॉक स्क्रीन आपको पसंद आने वाला है। खूबसूरत है और चाहो तो आप इसको यूनिक भी बोल सकते हो। पहला जो थीम है इसका आप लॉक स्क्रीन देखिए। जैसे ही थीम को आप अप्लाई करोगे तो आपको इस प्रकार से शो करेगा। इधर आप चूज़ कर सकते हो कि कौन सा आपको वॉलपेपर चाहिए। देखिए, ये डॉन वाला है, डस्क चेंज हो जाएगा, फिर नाइट। अगर आप नीचे देखोगे तो इसका जो है चेंज होता है, ऊपर भी देखोगे तो इस प्रकार से चेंज होता है। नो टेक्स्ट, अगर आपको टेक्स्ट नीचे नहीं चाहिए तो वो आप क्लिक कीजिए। फिर आपको ये ऑप्शन दिखेगा, ये और लाइव वाला एक दिखेगा, ये और टिप वाला दिखेगा। तो इस प्रकार से आप ओके कर दीजिएगा जो भी आपको पसंद हो। ठीक है, आपको एक डायनेमिक इफेक्ट मतलब कि एनिमेटेड लॉक स्क्रीन दिखेगा जो काफ़ी बेहतरीन लगता है। अगर आपको वापस चेंज करना है तो नीचे स्वाइप कीजिएगा तो ये आ जाएगा, फिर आपके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। इसका जो होम स्क्रीन है स्वाइप टू अनलॉक है। जैसे ही आप देखोगे इस प्रकार से आपको दिखेगा होम स्क्रीन। देखोगे तो आपको उस तरह का दिखेगा वॉलपेपर। और आइकॉन्स आपको बहुत ही पसंद आने वाला है क्योंकि सारे चेंजेस है। मुझे बहुत ही पसंद आया क्योंकि ये मिनिमल जैसा आइकॉन दिखता है। कंट्रोल सेंटर आपका ऑरेंज कलर में चेंज होगा। पीछे भी बैकग्राउंड चेंज है, जो बार से ये भी चेंज हो जाएगा। स्टेटस बार में जो आइकॉन से ये भी चेंज है। सेटिंग यूआई की बात करें तो इधर भी आपको पीछे बैकग्राउंड में चेंजेस दिखेगा। और इस थीम का जो नाम है आपको थीम स्टोर में सर्च करना होगा, ऑन द रोड, तो आपको मिल जाएगा। 8.7 एमबी का है इसके ओनर। दूसरा जो थीम है इसका आप लॉक स्क्रीन देखिए। इस प्रकार से आपको बटरफ्लाई और जो है गुलाब की पंखुड़िया नजर आएगा। एनिमेटेड है, बहुत ही खूबसूरत है देखने में, आपको पसंद आएगा। और इस थीम को अप्लाई करने के लिए आपको जो है एक अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए फ़ोन में, तो ये अप्लाई हो जाएगा। जी हाँ, थोड़ा हैवी है इसका थीम। इस तरह से आपको क्लॉक विजेट दिखेगा, स्वाइप टू अनलॉक है। जैसे ही आप अनलॉक करोगे तो आपको होम स्क्रीन इस प्रकार से दिखेगा बटरफ्लाई में, और इस प्रकार से स्टार स्टार बना हुआ है। आईकॉन्स पैक की बात करें तो इस प्रकार से चेंजेस है। और इस थीम का जो नाम है आपको थीम में सर्च करना होगा, ब्लैक रोजेस, तो मिल जाएगा। 50.4 एमबी का है, इसके ओनर है। तीसरा जो थीम है इधर आप देख ही सकते हो, आपको इस तरह से नजर आएगा, इस प्रकार से घूमता रहता है, बहुत ही कलरफुल है। क्लॉक विजेट है इधर, अगर आपको जो है नॉच के जैसा स्टाइल दिखता है, मतलब कि आईफोन जैसा स्टाइल करने की कोशिश किया गया है। और इस थीम में आपको एक चार्जिंग एनिमेशन भी दिखेगा, ये देखिए कुछ इस तरह का जो है घूमता है, बहुत ही कलरफुल है, जो है हर वक्त लॉक स्क्रीन में इस प्रकार से आपको नजर आएगा। स्वाइप टू अनलॉक है, जैसे ही आप अनलॉक करोगे तो आपको होम स्क्रीन इस टाइप का दिखेगा। क्लॉक विजेट छोटा सा है। आईफोन स्पेक देखोगे तो कलरफुल है, चेंजेस है। इस थीम का जो नाम है आपको सर्च करना होगा थीम स्टोर में, रन लैम्प चार्ज, तो आपको दिख जाएगा। 33.1 एमबी का है, इसके ओनर है। नंबर चार पे जो थीम है इसका आप लॉक स्क्रीन देखिए। आपको बहुत सारे चीज़ें शो करता है लॉक स्क्रीन में, बहुत सारे विजेट से, ड्रिंकिंग वाटर आप इधर से देख सकते हो, ऑप्शन दिख जाएगा। आपको आज के दिन में कितना और आवर्स बाकी है वो काउंटडाउन शुरू करेगा। एक आपको डिजिटल क्लॉक, एक आपको एनालॉग क्लॉक, बैटरी परसेंटेज शो करता है, इधर आपको वेदर भी शो करता है, और नोट्स, कैलेंडर, बाकी सारे चीज़ें। सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होता, आपको जो है एक चार्जिंग एनिमेशन भी दिखता है लॉक स्क्रीन में, जो बहुत ही कूल लगता है, फ्यूचरिस्टिक लगता है। स्वाइप टू अनलॉक है, जैसे ही आप अनलॉक करोगे तो आपको होम स्क्रीन इस टाइप का दिखेगा। आइकॉन्स पैक देखोगे कि इस प्रकार से चेंजेस है। इस थीम का जो नाम है आपको थीम स्टोर में सर्च करना होगा, कीप लव विजेट, तो आपको मिल जाएगा। 16.4 एमबी का है, इसके ओनर है। नंबर पाँच पे जो थीम है इसका आप लॉक स्क्रीन देखिए। इधर आपको 3D स्टाइल में लॉक स्क्रीन नजर आएगा। ये मुझे बहुत ही पसंद है, ये डायनामिक है, इस प्रकार से जो है झूलता रहता है ये वाला जो है लाइट, वेदर दिखता है आपको, बाकी सारे चीज़ें, म्यूजिक प्लेयर भी नज़र आएगा, और बर्थडे मेरा आने में कितना टाइम है वो आपको शो करता है। अगर आप चाहते हो कि इधर आपका डेट ऑफ बर्थ आप एंट्री करके जो है डाल के काउंटडाउन ले सकते हो। तो स्वाइप टू अनलॉक है, जैसे ही आप अनलॉक करोगे तो आपको होम स्क्रीन इस टाइप का दिखेगा। इधर क्लॉक विजेट और आइकॉन्स पैक जो है होम स्क्रीन में, ये सारे 3D स्टाइल में ही आपको नजर आएगा। आइकॉन्स पैक जो आपको दिखेगा आप ड्रॉअर में, ये भी सारे 3D स्टाइल में है। तो लॉक स्क्रीन से काफ़ी अच्छा है, 3D स्टाइल लुक आपको चाहिए तो ए वाला थीम आप डाउनलोड कर सकते हो। 11.8 एमबी का है, इसके ओनर है। तो फ्रेंड्स, यही था वो पांच थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा सा ब्यूटीफुल आईपैड ओएस थीम्स। और अगर आपका पुराना MIUI है तो भी ये सपोर्ट करेगा, बिंदास आप इसको जो है डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो।